मिजोरम में मतदान। मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए वोटिंग आज। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज मतदान होना है। नक्सल प्रभावित सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग, शेष सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान शुरू होगा। पहले चरण की वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और 5000 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं महिलाओं को लेकर माकूल व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से 20 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान होना है। और देखिए 233 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। 20 सीटों के लिहाज से छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। 20 सीटों पर आज मतदान होना है, जबकि मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए वोटिंग आज है। इससे पहले चुनावी बिगुल का आगाज हुआ था छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चाहेगी कि पुनः सत्ता में वापसी हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहीं बीजेपी का फोकस सत्ता हासिल करने के लिए रहने वाला है। पहले चरण की वोटिंग आज होगी छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। सभी 40 सीटों के लिए आज वोटिंग है। 5000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महिला सुरक्षाकर्मी तैनात की गई है। और अब राजनांदगांव या फिर अन्य जो संभाग है, तो 12-8 का यह अनुपात रखा गया है। बस्तर की 12 और राजनांदगांव और साथ ही साथ अन्य इलाकों की अगर जोड़कर देखें तो 8 सीटों पर मतदान होना है। यानी कि 12 बस्तर की और राजनांदगांव समेत अन्य की 8 मिलाकर के कुल 20 सीटों पर आज मतदान।